देवताओं के लिए भी मनुष्य बनना आसान नहीं है, परंतु हमें यह मनुष्य जीवन मिला है, और जब मनुष्य जीवन मिल गया इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, मनुष्य जीवन में मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। मनुष्य जीवन में जब हम मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लें तो तीन ऋणों से उऋण हुए बिना मरना नहीं चाहिए, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का ऋण यज्ञ में आहुतियां देने से मुक्त हो जाते, उससे धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करने से, अध्ययन करने से, श्रवण करने से हम ऋषियों के ऋण से उऋण हो जाते हैं, और पितृय ऋण थोड़ा कठिन है, उसे उतारना ही चाहिए। पितृ ऋण कैसे उऋण हो सकते हैं? बोले पितृ ऋण से उऋण होने के लिए हमको सबसे पहले सजातीय सुकन्या से विवाह करना चाहिए, फिर एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करनी चाहिए, संतान ऐसी हो जो हमारे गए पीछे हमारे पितरों का और हमारा तर्पण श्राद्ध पिंड दान ढंग से कर सके। गृहस्थ में जाने के बाद तब ऐसे गृहस्थी का पितृ ऋण पूर्ण होते हैं।